गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। राइट, एक लेक्चर आपका अभिषेक सर ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट डिस्कस की थी, और नीति आयोग के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट भी डिस्कस की थी। और आज हम लोग ना काफ़ी सारी अलग मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यूपीएससी में क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं, कि जैसे लास्ट टाइम ही पूछा था कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस तरह से वो कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। पूरी तो हम पढ़ नहीं सकते, साढ़े तीन सौ ढाई सौ पेजेस की रिपोर्ट्स हैं, तो वो तो हम पूरी पढ़ेंगे नहीं। बट क्या करेंगे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स खोलेंगे और उन पे उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, तो उस एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड करेंगे। हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। अगर नहीं मिले तो सीधा गूगल पे भी लिख सकते हैं दैट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एनुअल रिपोर्ट, तो अपने आप सीधा लिंक मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एनुअल रिपोर्ट इन हिंदी, तो वो हिंदी वाली रिपोर्ट का सीधा लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप डाउनलोड करो और फिर उसके बाद पहले तो उसकी इंडेक्स खोलो। इंडेक्स खोल करके आप देखोगे कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे हम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है, इसकी इंडेक्स देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या डाटा, क्या स्टैटिस्टिक्स या कुछ स्कीम्स, कुछ भी मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो या तो हम सीधा वो खोल के पढ़ लें, या फिर जैसे ये 324 पेज की रिपोर्ट है, तो एक बार एक घंटे में मैक्सिमम आपको किसी भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट को एक से डेढ़ घंटा देना है ना। जैसे ये मैं आज जो हम चार पांच मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स कवर करने वाले हैं, तो आप डेली एक एक घंटा रिपोर्ट्स को दो अपना इस हफ्ते में, और आप रिपोर्ट खोलो, उसके पहले उसके बाद उसकी इंडेक्स खोलो। अगर आपको इंडेक्स में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो आप सीधा उसको जा कर के पढ़ लो, या फिर एक बार पूरी रिपोर्ट जो है गो थ्रू हो जाओ। जैसे उसमें कई सारे पाई चार्ट्स होंगे, कई सारी टेबल्स होंगी जिसमें डाटा होगा 50 तरीके का, तो उस डाटा पे हम थोड़ी सरसरी निगाह डालेंगे। ये सब काम हमको डेली बेसिस पे कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत हमको एक तो ये अंदाज़ा लगता रहेगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस किन किन चीज़ों पर है, और डाटा का भी हमें अंदाज़ा होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप काम करो। जैसे आज हम लोग जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसमें मेनली मेरा टारगेट रहेगा कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो है, उसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, ठीक है, उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिससे मुझे लगता है कि इसकी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इस मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, या इस मिनिस्ट्री के पास इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मुझे लगती है, जिससे जिसकी रिपोर्ट से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में और अभिषेक सर ले चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट खोलना, और उसमें बहुत सारा डाटा है कि हमारा एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से साल में ज़्यादा किया, कौन से साल में कम किया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, इनका डाटा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इनका डाटा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो जब हमारे पास तीन क्लासेस हैं मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए, एक ऑलरेडी अभिषेक सर ले चुके हैं, एक आज मैं लेने वाला हूँ, और हम एक और क्लास बाद में लेंगे दो तीन हफ्ते के बाद, उसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, और भी मिनिस्ट्रीज बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी अच्छे डाटा आपको मिल जाएंगे।
जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कुछ आपको डाउट्स हैं, इकोनॉमी की क्लास कब से शुरू होगी? इकोनॉमी की क्लास शुरू होगी आपको हर बार जो हम लोग आपको नोट्स भेजते हैं उसमें शुरू के पेज में ही पूरा आपका प्लानर लिखा हुआ है ना, उसमें डेट वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सी डेट को कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। उसमें ज़रूर थोड़ा एक दो दिन ऊपर नीचे हो गए हैं, बीच में कुछ दिक्कतें हुई इस वजह से, अदरवाइज़ वो शेड्यूल हमारा अभी भी फॉलो हो रहा है, वो भी चल रहा है। तो अभी आपकी एनवायरनमेंट की क्लासेस चल रही हैं, इस वीक में आपकी एनवायरनमेंट की दो क्लासेस होंगी, दो क्लासेस ज्योग्राफी की होंगी, ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा इस वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक से आपका इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगा, ठीक है? और जब ये एनवायरनमेंट चालू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी चालू हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं लेने वाला हूँ और इकोनॉमिक्स अभिषेक सर लेने वाले हैं, ठीक है? दैट इज़ द प्लान। चलो देखते हैं इस रिपोर्ट को। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, इस रिपोर्ट्स के आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं और आपको नोट्स का मतलब इसमें कुछ, इसमें नोट्स मतलब समझने का कुछ नहीं है। तुम जो मैं आपको नोट्स बना करके और इसके प्रोवाइड करवाऊँगा, इसमें मेनली जो देखने की चीज़ें हैं वो टेबल्स और डाटा ये सब हैं, तो वो तो आपको जब रिपोर्ट खोलोगे तभी आप देख पाओगे। ओके, आप करवा रहे हैं ना, फिर भी हम चेक करें मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स। अरे करवा तो मैं सारे सब्जेक्ट रहा हूँ, फिर भी आपको खुद से तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार चेक कर लिया करो। खुद से जो देखोगे तो आपकी नज़रों से कुछ और चीज़ हो सकता है आपको मिल जाए देखने के लिए। वैसे तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, फिर भी आपको एक बार खुद से तो देखना ही पड़ेगा। करवाते करवाते तो चीज़ें डाटा इतना अंदर जाएगा नहीं ना आपके, आपको खुद से एक बार रिपोर्ट्स देख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक एक घंटा दो इस वीक में ही कर लो ना, जिस वीक में हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे एक वीक हो चुका है ऑलरेडी, और उस वीक की अगर आपने गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं भी पढ़ी हो तो भी आप इस वीक में पढ़ सकते हो। ऐसा करो कि आपके पास टाइम है, फ्रॉम कल से शुरू करें, अगर हम कल से हम शुरू करें तो ट्यूसडे से लेकर के और सैटरडे तक का आपका 5 दिन का टाइम है। 5 दिन आप अपने लिए 1 घंटा निकालो और 1 घंटा रिपोर्ट को दो। कौन कौन सी रिपोर्ट? में सबसे पहला, अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ लेना। रिपोर्ट को पढ़ने का मतलब उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, उसकी टेबल्स आपको थोड़ा डाटा रीड करना है कि एक्सपोर्ट किसका ज़्यादा है, किस कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, या एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या इम्पोर्ट है, सर्विस सेक्टर में क्या एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्ट है, एग्रीकल्चर में क्या एक्सपोर्ट है, कौन कौन सी अथॉरिटी हैं, है ना, MPDA वगैरह जो अथॉरिटी हैं वो वहाँ पे सब क्लियरली दी हुई हैं। तो वो टेबल्स वगैरह आप देखते चलना, थ्योरी में मत ध्यान दे, टेबल्स और डाटा और कुछ स्टेटिस्टिक्स जो दी हुई हों उन पे ध्यान दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो ये देख लेना। नीति आयोग की रिपोर्ट अभिषेक सर पढ़ाई चुके हैं, वो देख लेना, ठीक है? नीति आयोग में सब कुछ आ जाता है, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लेना। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट जो आज अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेना आप। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और बाकी और भी कोई मिनिस्ट्रीज देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है? जैसे आज हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ले लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, कुछ अगर कुछ मिलेगा देखने के लिए तो देख लेंगे, नहीं तो वाह, ठीक। कुछ स्कीम्स वगैरह दिख जाती हैं खोलने के बाद कि अच्छा ये स्कीम्स इस मिनिस्ट्री की है, तो ऐसे नज़र पड़ जाती है, तो क्वेश्चंस कई बार ऐसे ही सही हो जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, हम करंट अफेयर्स के पोथे खोल खोल के पढ़ रहे हैं, पूरी विज़न की हमने PT 365 पढ़ डाली है, पर कई बार वो चीज़ें याद नहीं रहती जो हम स्पेसिफिकली ये प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स खोल कर पढ़ते हैं, वो चीज़ें याद नहीं रहती। और कई बार ऐसे ही रिपोर्ट्स देख रहे हैं बैठे बैठे, और रिपोर्ट का कुछ डाटा देखा, कुछ इंटरेस्ट आया, फिर कुछ गूगल सर्च कर लिया, इस तरह से कुछ उल्टा सीधा जब करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो इसलिए 1 घंटा दो, और डेली ये 4-5 जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं इनको एक बार देख लो डेली। सिर्फ इस वीक में बोल रहा हूँ, हर वीक की बात नहीं है, सिर्फ इस वीक के लिए ही एक्सरसाइज करो आप। चलिए ओके, तो आपको देखो मैं इंडेक्स दिखाता हूँ, इसकी इंडेक्स में क्या है।
इसकी इंडेक्स में आप देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप देखो कि सब ऐसा लग रहा है जैसे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। अच्छा, ये रिपोर्ट जो मेरे पास अभी खुली हुई है ये इंग्लिश में है, और सारी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो देखनी तो टेबल्स ही होती हैं, ज़्यादा डाटा, ज़्यादा थ्योरी तो पढ़नी नहीं होती, तो चाहे इंग्लिश में खोलो चाहे हिंदी में खोलो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स के बारे में जानकारी हो गई, बायो बायो रिजर्व हो गए, बायो सेफ्टी हो गई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, सेंट्रल जू अथॉरिटी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। पोल्यूशन की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और बाद में आप ही देखो, ये हर मिनिस्ट्री, ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट में ऐसा आपको लास्ट में ये एनेक्सर मिलेगा, टेबल्स मिलेंगी कुछ, और उसमें देखो ये हमारे काम की है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर इंडिया की जितनी भी वेटलैंड्स हैं उन सबकी लिस्ट दी हुई है। टोटल मैंने आपको बताया था 42 वेटलैंड्स हैं इंडिया की रामसर कन्वेंशन में, उनकी लिस्ट दी हुई है एंड में, तो आप देख लो, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और डिटेलिंग दी हुई हो चीज़ों की, कि कौन सी वेटलैंड में कौन सी वेजिटेशन मिलती हो सकता है ऐसा कुछ भी दिया हुआ हो, तो हमको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है, पढ़ सकते हैं। अब देखो ये बीच बीच में आपको ये फोटोज भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये, जैसे एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी में कि कुछ ये चार स्पीशीज, शायद लास्ट ईयर ही पूछा था कि ये चार स्पीशीज लिखी हुई हैं, ये चार स्पीशीज किससे रिलेटेड है, ये किसकी है, वनस्पति है कि कोई, वनस्पति है कि कोई जीव जंतु है, क्या चीज़ है ये, ऐसा दे दिया था। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, और मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में ये जो डायग्राम्स वगैरह, ये जो ये पिक्चर्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह दिए जा रही हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट जीव जंतु होते होंगे जो या तो साल में नए डिस्कवर हुए होंगे या फिर इन पे रिसर्च चल रही होगी, उस तरीके के इनमें दिए रहते हैं, तो हमें अच्छा डाटा यहाँ से मिल जाता है। चलो देखते हुए चलते हैं अपन, जैसे ये देखो आप, दिस इज अ बटरफ्लाई, पेक्लियोप्टा हेक्टर ल्यूनस 1758, दिस इज ओरिएंटल डार्टर, इस तरीके का जंतु है ये। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के जो जीव जंतु हैं जितने भी, उन सब के बारे में डाटा कलेक्ट करता है। दिस इज एंटीलॉप, ठीक है, हम हमारे मेन डाटा पे आते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की वेजिटेशन के बारे में हमें जानकारियां देता है। जैसे देखो, प्लांट स्पीशीज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया आफ्टर लॉन्ग गैप, है ना। ये अब ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी प्लांट स्पीशीज हैं जो इंडिया में वापस से रीडिस्कवर हुई हैं काफ़ी समय के बाद। प्लांट स्पीशीज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग गैप, और दो प्लांट्स हैं जो बहुत लॉन्ग गैप के बाद इंडिया में रीडिस्कवर हुए हैं। एक तो ये साइड्रेक्स फिसिफॉर्मिस और एपिलोबियम ट्राइकोफाइलम, ठीक है। ये कैसा प्लांट है, एन एंडेंजर्ड ट्री है, वॉज रिकलेक्टेड आफ्टर अ सेंचुरी, 100 साल के बाद जाकर के वापस से मिला है। कहाँ मिला है,
कोडई केनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। दूसरा ये देखो आप, एपिलोबियम ट्राइकोफाइलम, अ रेयर एंड एंडेमिक प्लांट, वॉज रिकलेक्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 157 ईयर, 150 साल के बाद मिला है सिक्किम में, हिमालय में। ठीक है, तो ये दो प्लांट्स स्पेशल हैं, इम्पोर्टेंट हैं, याद रख सकते हो आप। साइड्रेक्स फिसिफॉर्मिस कहाँ मिला है? कोडई केनाल तमिलनाडु में 100 साल के बाद। एपिलोबियम ट्राइकोफाइलम कहाँ मिला है 150 साल के बाद? सिक्किम में, हिमालय में। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर प्रोन एरिया, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप निकाला है कि इंडिया में कौन सा एरिया जो है जो फॉरेस्ट फायर के लिए ज़्यादा, जहाँ पर फॉरेस्ट फायर ज़्यादा आशंकित रहती है कि यहाँ लग सकती हैं। ये देखो नॉर्थ ईस्ट में ये जो एरिया है, मिजोरम वाला एरिया, यहाँ पर वेरी बहुत एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। थोड़ा से उत्तराखंड में है, फिर यहाँ पर एमपी और छत्तीसगढ़ में है, एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में है, ये एरिया ज़्यादा फायर प्रोन है। ठीक है, आपको लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बारिश होती है, फिर यहाँ पर फायर प्रोन एरिया नहीं होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए यूपीएससी में कि इनमें से कौन सा एरिया है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से और बहुत ज़्यादा फायर प्रोन है, जहाँ पर फायर लगने के, फॉरेस्ट फायर लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो नॉर्थ ईस्ट अगर आए तो नॉर्थ ईस्ट को आपको टिक कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम, खास करके नीचे जो लटकता हुआ पार्ट है ना, ये मिजोरम है, तो मिजोरम वाला पार्ट जो है फॉरेस्ट फायर के लिए काफ़ी ज़्यादा आशंकित जगह है। देखो आप उसके बाद प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है जिसके अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वैसे ही प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चल रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच टू द नेशन ऑन 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को उन्होंने ये दो प्रोजेक्ट की भी घोषणा की थी, प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स में आप देख लेते हो, फिर भी रिपोर्ट में दोबारा देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा मेमोरी में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी ये चीज़ें ये भी आपने देखा ही होगा। होस्टिंग ऑफ 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, है ना, CMS, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS, इसकी 13th COP इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गांधीनगर में, और वहीं पर गांधीनगर डिक्लेरेशन भी लिया गया था कि हाँ ठीक है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, जो बर्ड बहुत दूर दूर ट्रेवल करती हैं, जो बर्ड्स बहुत दूर दूर ट्रेवल करती हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, और इसकी 13th COP ही जो हर साल होती है वो इंडिया में हुई थी इस साल गांधीनगर में। तो क्वेश्चन भी अगर आ सकता है कि व्हाट इज़ गांधीनगर डिक्लेरेशन अबाउट, गांधीनगर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज। तो इसमें ऐसे चीज़ें आप देखते रहो, ढूंढने से मिल जाएगी। जैसे टेबल, अब जो भी टेबल्स आती हैं उन पे तो एक बार देख ही लेना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, कुछ काम की तो नहीं है। जैसे डिसबर्समेंट ऑफ फंड फ्रॉम नेशनल फंड टू रेस्पेक्टिव स्टेट फंड्स, तो ये कुछ काम का नहीं है कि किस स्टेट को कितना फंड दिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता है। ठीक है, तो ऐसी टेबल हम छोड़ सकते हैं। जैसे ये टेबल है ऊपर वाली, स्टेटमेंट शोइंग टोटल एरिया डाइवर्टेड फॉर फॉरेस्ट लैंड अंडर FC एक्ट,
तो ये वो टेबल है कि कौन से स्टेट से कितनी लैंड जो है फॉरेस्ट से हटा करके और दूसरे काम में ली गई है। तो अगर आप निगाह डालोगे तो आप देखोगे कि अंडमान और निकोबार से बिल्कुल भी लैंड नहीं ली गई है जो फॉरेस्ट से दूसरे काम में ली जाएगी, है ना। ज़्यादा कहाँ से ली गई है तो देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा लैंड ली गई है कंपेरेटिवली। इस तरह से थोड़ा बस सरसरी निगाह से और हम देख सकते हैं। जैसे ये स्कीम के बारे में है, परिवेश पोर्टल फॉर द सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है। अगर आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात चल रही है। मिनिस्ट्री लॉन्च्ड परिवेश द वेब पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस एज अ सिंगल विंडो सिस्टम। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोई से भी प्रोजेक्ट है, अगर वो कुछ अपना बनाना चाह रहे हैं, कुछ स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उनको उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है कि कहीं किसी जंगल को नुकसान तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कंपनसेटरी कहीं और लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो इन सब के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है जिसका नाम है परिवेश, जिस सिस्टम का नाम है परिवेश, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि परिवेश किससे रिलेटेड है, तो परिवेश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर्स का वेब पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर्स का वेब पोर्टल है परिवेश, और जिसमें ये सब काम किया जाता है क्लियरेंस से रिलेटेड। देखो इसमें लिखा हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन किया करता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 25, 1980 अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। Prior approval of the central government is essential for diversion of forest land for the non-forestry purpose. देखो अब ऐसा स्टेटमेंट क्या है, अगर आपको देखने को मिल जाए और आपने कहीं पढ़ा हुआ हो तो आपको आसान लगेगा कि अगर आपको किसी भी फॉरेस्ट लैंड को फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़, अगर आपको किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए डाइवर्ट करना है तो आपको किसकी अप्रूवल लगेगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग स्टेट दे दिए जाते हैं कि फॉरेस्ट, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड है और उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए आपको डाइवर्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से काम नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा लिखा हुआ है इस एक्ट में। कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तरीके की बातें हैं। देखो बायो सेफ्टी देख सकते हैं हम। जैसे यूपीएससी ने खुद देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायो सेफ्टी। एंड ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD इसके अंतर्गत आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। CPB मतलब कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अंडर CBD इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम्स टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी अभी आजकल काफ़ी प्रचलन में चल रही है, उसको यूज़ करके अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव की जेनेटिक अपीयरेंस में अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया हो, फिर उससे कुछ नया जीव बना हो, जिसको हम बोलते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMOs, तो अगर उनकी हैंडलिंग कैसे की जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, इससे रिलेटेड है ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब आप करंट में पढ़ते भी हो और थ्योरी में भी पढ़ते हो, पर फिर भी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट होगा। ये दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, अगर हम देखें तो इंडिया में देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स, आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का अपना MAB प्रोग्राम चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, तो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। वैसे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से 18 बायोस्फीयर रिजर्व, पर MAB प्रोग्राम में, जो यूनेस्को का MAB प्रोग्राम है, उसमें इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। The idea of biosphere reserve was initiated by UNESCO in 1973-74 under its Man and Biosphere program. 73-74 में आ गया था biosphere reserve का idea. The MAB launched in 1970 by UNESCO is a broad-based ecological program. तो broad-based ecological program का मतलब है कि सिर्फ protection नहीं करना, ऐसा national park की तरह नहीं है कि वो area बंद ही कर दिया फिर लोगों के लिए अंदर आने के लिए, नहीं, biosphere program में, अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में लोग भी अलाउड होते हैं, कहीं कहीं जगह कुछ इंडस्ट्रीज प्लांट सब कुछ अलाउड होते हैं, बट एक प्लांड वे में। ये आपको दी हुई है साइट्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर, और कोरल रीव्स और मैंग्रोव्स मिलते हैं, देखेंगे अपन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। इंडिया में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलती है, CSS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। ठीक है, तो याद रखना, अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि क्या कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स के मैनेजमेंट के लिए, तो है, और जिसमें अंडर दिस स्कीम 38 मैंग्रोव्स और 4 कोरल रीफ साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन। ठीक है, 38 मैंग्रोव वाली जगह हैं और 4 कोरल रीफ वाली जगह हैं जहां पर ये मिनिस्ट्री की साइट में 11 लिखा हुआ है, आप बोल रहे हैं 12 है, एक पन्ना अभी ऐड हुआ है, पन्ना ऐड हो गया, अच्छा ओके, देखते हैं एक सेकेंड में देख लेता हूँ पन्ना ऐड हो चुका है क्या। एंथु एक्सट्रीम आपने लिखा है, सर आज नोटिफाई क्यों नहीं किया क्लास के लिए, अरे भाई मैंने 6:30 बजे आपको लिंक भेज दिया था क्लास का, ठीक है, 1.5 घंटे पहले नोटिफाई कर दिया, और वैसे क्लास तो होती है मंडे टू फ्राइडे। मैं चेक कर लेता हूँ पन्ना ऐड हो चुका है क्या आज आजकल में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, वन सेकेंड,
हाँ जी, पन्ना को भी ऐड कर लिया गया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने अभी देखा ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 11 ऐड हो चुके हैं यूनेस्को की साइट्स में, तो एक और ऐड हो चुका है, तो टोटल यूनेस्को के अंतर्गत इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो नया ऐड हुआ है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश। ओके, मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स की 38 और 4 साइट्स के बारे में, हमारी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी चलती है, तो ये आप देख सकते हो कि कौन सी 38 साइट्स कौन कौन सी हैं, साइट्स देख लेना चाहिए, काम की हैं ये। सुंदरवंस वेस्ट बंगाल में, भितरकनिका, महानदी, सुवर्णरेखा, देवी, धमरा, मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर इट इज़ इन उड़ीसा, इसमें इम्पोर्टेंट है भितरकनिका। भितरकनिका, सुंदरवन, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोरिंगा नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट गोदावरी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में आप देखो पुलिकट लेक, काजू वैली, रामनद, ये सब तमिलनाडु की मैंग्रोव साइट्स हैं, है ना। तो यूपीएससी आजकल काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस पूछने लग गया है, तो आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन आप टेक कर सकते हो, अपने अंदर रिटेन कर सकते हो, आपको कर लेनी चाहिए। अंडमान और निकोबार में है ही मैंग्रोव साइट्स, नॉर्थ अंडमान्स और निकोबार। उसके अलावा केरल में वेम्बनाड में, केरल में वेम्बनाड झील है, हमने देखा था, इसमें मैंग्रोव्स हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है। उसके बाद गोवा के अंदर भी है, फिर महाराष्ट्र में भी इतनी सारी साइट्स हैं, ये वसई वसई मनोरी, वेतरना, विक्रोली, यहाँ सब भी आपको मैंग्रोव साइट्स मिलेंगी। गुजरात में भी गल्फ ऑफ कच्छ में तो हमने पढ़ा ही था, गल्फ ऑफ खंबात और दुमास उभरात, यहाँ पर भी मैंग्रोव साइट्स आपको मिलेंगी। अच्छा, कोरल रीफ की 4 साइट्स हैं सिर्फ जिसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है हमारी, जिनके प्रोटेक्शन के लिए, वो है गल्फ ऑफ कच्छ विच इज़ इन गुजरात, जहाँ पे आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी, गल्फ ऑफ मन्नार विच इज़ इन तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार में अंडमान एंड निकोबार कोरल रीफ्स हैं, और लक्षद्वीप तो है ही अपने आप में कोरल रीफ का आइलैंड्स। तो इस तरह से ये 4 साइट्स हैं जिसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अपनी चल रही है ना। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ रहे कि इनमें से कहाँ पर कोरल रीफ्स इंडिया में मिलती हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ भी ऑप्शन हो, गल्फ ऑफ खंभात भी ऑप्शन हो, तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ टिक करना है। कुछ है क्या इसमें? दिस चैप्टर वॉज रिलेटेड टू कंजर्वेशन चैप्टर। दिस डायग्राम इज बायोमास मैप ऑफ असम। चलो, ज्यादा इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेट है जिससे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुई है, गुजरात से फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुई है, यहाँ पर है एरिया 4324 टोटल लैंड डाइवर्टेड का एरिया। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आप देखो 4880 लैंड डाइवर्ट हुई है फॉरेस्ट की, गुजरात से 4324, मध्य प्रदेश से 7672 हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट की और नॉन फॉरेस्ट के लिए डाइवर्ट हुई है, तो आप ऐसे देख सकते हो इसको भी। किस काम के लिए डाइवर्ट होती है ये फॉरेस्ट की लैंड? कैनाल बनाने के लिए, डिफेंस के लिए,
और ये सब है, तो किस काम के लिए अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुई है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए आप देखो 5,819 की लैंड जो है डाइवर्ट हुई है, फॉरेस्ट की लैंड 5,819 फॉरेस्ट लैंड किस लिए डाइवर्ट हुई है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इससे ज़्यादा आप देखो रोड्स बनाने के लिए 8,623 लैंड हेक्टेयर लैंड डाइवर्ट हुई है रोड बनाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा पूछ ले कि किस काम के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की लैंड पिछले सालों में डाइवर्ट हुई है, सो इट शुड बी रोड्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, इस तरीके का मेजर मोटा हमें पता होना चाहिए कि किस काम के लिए सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है। देख चुके हैं हम ये CMS, आगे चलते ऐसे ही है। आपको जब भी कोई रिपोर्ट देखनी होगी तो ऐसे पेशेंस ही देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें काम की मिलेंगी। जैसे ऑपरेशन टर्टल शील्ड, ऑपरेशन टर्ट शील्ड, तो ये ऑपरेशन टर्ट शील्ड किसका है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। ऑपरेशन टर्ट शील्ड इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। 1 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 द एनफोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस द कंट्री वर रिक्वेस्टेड टू फोकस देयर अटेंशन ऑन इलीगल ट्रेड इन टर्टल्स और टोर्टोइज। टर्टल्स और टोर्टोइज में अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, अगर कोई चीज़ें यहाँ से स्मगलिंग करके लेके जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन टर्ट शील्ड। और किसका है, WCCB का, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। उसी तरह ऑपरेशन विल्डनेट 3, इट इज़ अ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओवर इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर वाइल्ड लाइफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके ट्रेड हो रहा है, तो उस पर निगाह रखने के लिए है ये वाइल्ड नेट। नाम से समझ में आ रहा है, वाइल्ड का, वाइल्ड लाइफ का वाइल्ड और इंटरनेट का नेट, वाइल्ड नेट। इस तरह से देख सकते हो आप। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू अथॉरिटी जो है, जूज जो है यहाँ पर इंडिया के जो चिड़ियाघर हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए है ये सेंट्रल जू अथॉरिटी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ हम रखते हैं। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन नए हुए हैं, पहले से प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, आपको पता है, इट इज़ अ CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्लान स्कीम। ठीक है, जो अभी गांधीनगर में आपकी CMS की COP 13 हुई थी, मैंने आपको बताया था गांधीनगर के अंदर या अहमदाबाद के अंदर CMS की COP 13 हुई थी, उसके अंदर एशियन एलिफेंट्स मैक्स, जो एशियन एलिफेंट्स का टेक्निकल नाम है एलिफास मैक्सिमस, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS COP 13। ठीक है, जो ये CMS है माइग्रेटरी स्पीशीज की कन्वेंशन, उसकी अपनी अपेंडिक्स होती हैं ना, उसकी अपनी लिस्ट होती है, लिस्ट 1, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 जो होती है वो ज़्यादा, जिनके लिए ज़्यादा कंसर्न है हम लोग, वो अपेंडिक्स 1 में डाले जाते हैं, अपेंडिक्स 2 में उससे कम कंसर्न वाले डाले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर अहमदाबाद में CMS हुई, उसमें एशियन एलिफेंट जो हैं हमारे, जिनका नाम है एलिफास मैक्सिमस, उनको भी CMS की अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया।
एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड हम देख लेते हैं। ये देखो आप जैसी टेबल है, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सबसे ज़्यादा किन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडस्ट्रीज के लिए 201 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला पिछले साल 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2020 के बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर के कम हैं और थर्मल के और कम हैं, है ना। नॉर्मल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ज़्यादा एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ रहा है लोगों को। अब आप देखोगे अगर ईयर वाइज भी, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस का जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हर साल बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हर साल जो है प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ रही है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, है ना, ऐसा भी नहीं है। 2016 में 318 एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए गए थे, 2017 में 535, 2018 में 412 एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए गए थे मिनिस्ट्री के द्वारा, 2019 में 476 दिए गए थे। इस तरह से एनवायरमेंट क्लियरेंस की संख्या बढ़ी घटी बढ़ी ऐसा है, कांस्टेंट बढ़ नहीं रही है तो कांस्टेंट घट नहीं रही है। देखो ये परिवेश स्कीम यहाँ भी आ रही है, परिवेश पोर्टल। तो अगर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कोई भी चीज़ 4-5 बार दिख जाती है अलग अलग जगह, इसका मतलब यह है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो तटीय पार्ट होता है, कोस्ट वाला, समुद्र तट वाला पार्ट, उसके रेगुलेशन के लिए, क्योंकि वो पार्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से या प्रोडक्टी के हिसाब से या हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके रेगुलेशन के लिए भी कोस्ट को कई सारे जोन्स में बांटा गया है कि भाई यहाँ पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। डेवलपमेंट का मतलब हो गया इंडस्ट्रीज बनाना या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इस तरीके का काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अलाउड है, कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है। तो अब ये पुराना वाला है, दिस इज़ अ CRZ क्लासिफिकेशन एज पर 2011। उसके बाद में एक और, ये देखो आप, ये CRZ क्लासिफिकेशन एज पर 2019 नोटिफिकेशन। तो इसमें आप देखोगे कि पूरे समुद्र तट के पार्ट को कई सारे कोस्टल रेगुलेशन जोन में बांटा है, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हो, इस रिपोर्ट में इतनी जानकारी नहीं है, सिर्फ मैप के द्वारा या इस फिगर के द्वारा बताया गया है। इसमें भी अगर आप देख सको तो ये आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको CRZ 1 में रखा जाता है, जैसे कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये वाला जो पार्ट है समुद्र तट का, ये आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आता है ना, ये एकदम प्रोटेक्टेड पार्ट है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है। CRZ 1 में क्या आता है, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और ये सब चीज़ें आती हैं, ये एकदम प्रोटेक्टेड है। उसके बाद CRZ 2 में आता है ये वाला पार्ट, ये CRZ 2 लिखा हुआ, ठीक है। इसमें वो वाला पार्ट आता है जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है समुद्र तट से रिलेटेड, ज़्यादातर अर्बन एरियाज वाला पार्ट, जैसे आप देखोगे कि मुंबई में जुहू बीच है, तो जुहू बीच थोड़ा सा है, उसके बाद पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, तो वो वाला पार्ट आपका CRZ 2 में आता है। उसके बाद समुद्र तट से वो वाला पार्ट जहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ, जैसे समुद्र तट में गांव वाला एरिया, ठीक है, समुद्र तट के किनारे सिर्फ शहर तो है नहीं, गांव भी हैं, तो समुद्र तट के किनारे जो गांव वाले एरिया हैं जहाँ पर अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो CRZ 3 में आता है। ये वाला पार्ट आप देखो, ये CRZ 3 में इन्होंने दर्शाया हुआ है, ठीक। उसके बाद CRZ 4 में भी कुछ पार्ट है, जैसे ये समुद्र तट से और 12 नॉटिकल माइल्स तक जहाँ पे हमारी टेरिटोरियल सीमा रहती है। कल आपने पढ़ा था कि समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक और हमारे ही देश का पार्ट है, तो वो वाला पार्ट हमारा CRZ 4 में आता है। इस तरह से कोस्टल रेगुलेशन जोन में हमने बांट रखा है।
पोल्यूशन की बात करें अपन, ये पोल्यूशन वाला चैप्टर है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है ना, इंडिया का है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये सब आप पढ़ते ही हो करंट के अंदर, एनवायरनमेंट का करंट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। हम नेक्स्ट वीक में, जो नेक्स्ट मंडे आएगा ना, जैसे आज वाला मंडे जो था वो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के लिए था, जो नेक्स्ट मंडे आएगा दैट विल बी फॉर करंट अफेयर्स, और उस दिन हम एनवायरनमेंट का करंट पढ़ेंगे। तो आप लोग विजन का जो PT365 है, विजन का वो डाउनलोड कर लेना, विजन की साइट से PT365 एनवायरनमेंट वाला, नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ सब विजन में ऑलरेडी दी हुई होती हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये इंडिया की एयर को क्लीन रखने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है। और हमारे स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है कि एयर क्लीन कब मानी जाएगी, जब वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच खाएगी, ठीक है। नाक्स जो है इंडिया में, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी नाक्स दिए हुए हैं कि क्या स्टैंडर्ड है होना चाहिए एयर का, है ना, उसको नापने के लिए ये दिया हुआ है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ना, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं कि एयर का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, इतनी उसमें नाइट्रोजन होनी चाहिए, इतनी उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, सल्फर की क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए, PM2.5 इतना रहना चाहिए, PM10 इतना रहना चाहिए, इस तरह से पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम हमारी एयर चाहते हैं। और उसके लिए कौन लगा हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी हमारे द्वारा की जा रही है। देखो 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ए ग्रांट ऑफ रुपीज 4,400 करोड़ फॉर 2020-21 फॉर 42 मिलियन प्लस पॉपुलेशन अर्बन एग्लोमरेशन सिटीज टू ऑगमेंट एक्शंस फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इस बार जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन जनरली क्या करता है कि जो पैसा है, जो फंड है, उसको सेंटर और स्टेट्स में बांटने का काम करता है। तो इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि जो सिटीज, जो शहर अपनी एयर को सुधारने के लिए काम करेंगे, उनको एडिशनल 44,000 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटी जाएगी, ठीक है। तो एयर क्वालिटी के हिसाब से भी इस साल का जो ये 15th फाइनेंस कमीशन आया था लास्ट ईयर, उसने फंड बांटने के लिए एयर क्वालिटी को भी एक स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बना है। पहले ये बना था, यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बना था, ठीक है, क्योंकि वाटर एक्ट सबसे पहले आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो पहले वाटर पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में, और इस एक्ट ने आपका ये बनाया CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एयर पोल्यूशन एक्ट आया, है ना, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये आपको याद रख लेने चाहिए, ये आया था आपका 1981 में, ठीक है। तो फिर ये CPCB जो है वो एयर पोल्यूशन को भी देखने का काम करने लगा। तो हाल की तारीख में CPCB जो है, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कहीं देखने के लिए कि CPCB इज रिलेटेड टू ओनली वाटर पोल्यूशन, सुनो CPCB अब जो है वाटर पोल्यूशन भी देखता है और एयर पोल्यूशन भी देखता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए कि एयर क्वालिटी कैसी चल रही है, हमारे नाक स्टैंडर्ड से मैच खा रही है कि नहीं खा रही है। नाक स्टैंडर्ड हमने देखा ना, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है। 344 सिटीज को कवर करता है ये प्रोग्राम। द एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क हैज 804 ऑपरेटिंग स्टेशंस कवरिंग 344 सिटीज इन 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और ये 6 स्टैंड सॉरी 10 पोल्यूटेंट्स को नापता है,
10 पोलिटेंट्स। ये जो आपका मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये 10 पोलिटेंट्स की क्वांटिटी देखता है एनवायरनमेंट के अंदर। वो 10 पोलिटेंट्स आप देख सकते हो, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर मॉनिटर्ड रेगुलरली एट ऑल लोकेशंस। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, PM2.5, ये बेंजोपायरीन, लेड और निकल, ठीक है। इस तरह से ये 10 पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी मात्रा एयर के अंदर देखने का काम करता है आपका नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, मैंने देखा, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये भी एयर क्वालिटी कैसी है उसको नापने का काम करती है। इसमें 8 पोल्यूटेंट्स नापे जाते हैं, तो आप गूगल करके देख सकते हो कि कौन से 8 पोल्यूटेंट्स हैं। पर अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, इसमें 10 पोल्यूटेंट्स देखे जाते हैं। दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इट चेक्स फॉर दीज 10 पोल्यूटेंट्स, इट चेक्स फॉर दीज 10 पोल्यूटेंट्स, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी लिस्ट बना लेना और याद कर लेना इसको, कि 10 पोल्यूटेंट्स हैं जिनको ये प्रोग्राम कवर करता है, ये देखता है। अभिषेक सर आएंगे ना इसी वीक में आएंगे, परसों तक मेरी क्लास है, फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे अभिषेक सर की ज्योग्राफी की क्लास है। तो आज हमारा ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का कार्यक्रम है, उसके बाद कल और परसों एनवायरनमेंट का लेक्चर 3 और लेक्चर 4 है, और फिर उसके बाद से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेज हैं। देखो ये डाटा भी दिया हुआ है कि कौन से शहर में कितने पोल्यूटेंट्स कहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, और भी कई सारी चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हो भाई, है ना। अगर हमें पूरी रिपोर्ट अभी क्लास में पढ़ने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये आप स्टैंडर्ड भी देख सकते हो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसमें SO2 कितना होना चाहिए, NO2 कितना होना चाहिए, PM10 कितना होना चाहिए, PM2.5 कितना होना चाहिए, डाटा देख लेना चाहिए। दिमाग में अगर बना रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि UPSC कुछ भी पूछ ले रहा है आजकल, ठीक है। तो एवरेज SO2 जो है 50 microgram per meter cube होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 40 microgram per meter cube होना चाहिए, PM10 60 microgram per meter cube होना चाहिए, PM2.5 40 microgram per meter cube होना चाहिए, इस तरीके का ये। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं इस रिपोर्ट के अंदर, सो हम देख रहे हैं। मैं अभी ये रिपोर्ट बंद कर रहा हूँ, अभी हम कोई फिर दूसरी रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास में हम ये रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है, कैबिनेट अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रपोजल टू रेटिफाई 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और वो किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो एनवायरमेंट में परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब हमेशा बने रहते हैं, उनसे रिलेटेड है आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो कैबिनेट ने अभी ये जो 7 एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स हैं इनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर ये 7 पोल्यूटेंट्स जो हैं ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट हैं, और इनको चेक करने के लिए अब कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो एक बार नज़र डाल सकते हो आप क्लोरीडोकॉन, एग्जाम UPSC ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या चीज़ है, व्हाट इज़ क्लोरीडोकॉन, ये टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल, ये क्या चीज़ है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC ने ऐसा। 3-4 केमिकल्स के नाम दे दिए थे और फिर पूछा था कि किससे रिलेटेड है, ये क्या पोल्यूटेंट्स हैं, या फिर ये फलों को पकाने के काम आती हैं, ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो हमको देख लेना चाहिए क्या चीज़ है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, पेंटाक्लोरोबेंजीन, है ना, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल, हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके चलो, अभी इस मिनिस्ट्री से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को छोड़ते हैं, फिर दूसरी मिनिस्ट्री पकड़ते हैं।
इसमें पहले 12 पोल्यूटेड नहीं, इसमें जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है इसमें तो ये 10 ही हैं शुरू से, और AQI में 8 पोल्यूटेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। चलो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसकी इंडेक्स देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ते हो ना, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्या काम चल रहा है, या ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 देख लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद इंडेक्सेस देख लेंगे। आपके लिए चलता हूँ सीधे पेज नंबर 47 पे। देखो इसमें इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के चैप्टर 5 में आपको डेफिनेशन मिलेगी कि शेड्यूल ट्राइब की क्या डेफिनेशन है, एसटीज की क्या डेफिनेशन है। तो 366 के हिसाब से, आर्टिकल 366 के हिसाब से, आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू शेड्यूल ट्राइब एज दोज कम्युनिटीज who are scheduled in accordance with article 342, ठीक है। आर्टिकल 342 ने जिनको शेड्यूल्ड कर दिया है ना, जिसको नोटिफाई करके और एक शेड्यूल में डाल दिया है, उन सारी ट्राइब्स को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। और ये नोटिफाई करने का काम कौन करता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यह दिया हुआ है शेड्यूलिंग एंड डी शेड्यूलिंग ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब को शेड्यूलिंग और डी शेड्यूलिंग कौन करता है। तो द टर्म शेड्यूल ट्राइब इज डिफाइंड इन आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज एज अ डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। अंडर क्लोज वन ऑफ आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर दियर ऑफ नोटिफाई ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। क्लोज टू ऑफ द आर्टिकल 342 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू पास अ लॉ टू इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। आपको हिंदी में, जब आप हिंदी में रिपोर्ट डाउनलोड करना और उसमें जब आप पढ़ोगे आपको क्लियर होगा कि 342 आर्टिकल में साफ ही बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करता है कि ये फलानी फलानी ट्राइब्स जो हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी। फिर उसके बाद अगर उस नोटिफिकेशन में कुछ चेंज करना है, कोई और ट्राइब नहीं ऐड करनी है, तो फिर वो काम पार्लियामेंट करती है। तो ध्यान रखना कि शेड्यूल ट्राइब नोटिफाई करने का काम प्रेसिडेंट करता है, और फिर उस नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंज करना हो तो वो काम पार्लियामेंट करती है, ठीक है। उसके अलावा ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में हर एक स्टेट में सेम ट्राइब शेड्यूल ट्राइब नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी स्टेट में कोई ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है पर वो दूसरे स्टेट में वही ट्राइब शेड्यूल ट्राइब ना हो, इट इज पॉसिबल। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज लिव इन अबाउट 15% ऑफ द कंट्रीज एरिया, देर आर ओवर 700 शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342
एंड इट इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. मेनी ट्राइब्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन स्टेट. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, दैट इज 62. तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ना ये लाइन. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, दैट इज 62. मतलब कि किस राज्य में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है. वहां पर 62 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है. उसके अलावा ये क्वेश्चन तो लास्ट एक दो साल पहले पूछा भी था. व्हाइल सम ट्राइबल कम्युनिटीज हैव अडॉप्टेड अ मेनस्ट्रीम वे, एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर सर्टेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स 75 इन नंबर known as particularly vulnerable tribal group, that is PVTG, who were earlier termed as primitive tribal groups, whose characteristics have been covered under the section on the schemes for conservation and development of PVTGs. तो ये पिछले साल एक दो साल पहले ऐसा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि इंडिया के अंदर कुछ, उसमें ऑप्शन में कुछ तो था 67, कि इंडिया में 67 PVTGs हैं. ठीक है, तो नहीं, इंडिया के अंदर कितनी पीवीटीजीज है, 75. अभी करंट में इंडिया के अंदर 75 शेड्यूल ट्राइब ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं. ठीक है, द लिस्ट ऑफ, ऊपर देखो ये 5.2, द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज स्टेट स्पेसिफिक. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है वो स्टेट पे डिपेंड करती है, स्टेट स्पेसिफिक होती है. अलग अलग स्टेट में अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स हो सकती हैं, पर हर जगह शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई करने का काम प्रेसिडेंट करता है, ना कि गवर्नर. गवर्नर की राय जरूर ले सकता है, पर प्रेसिडेंट करता है. और फिर उस नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंज करना हो तो पार्लियामेंट है. ठीक है, शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया, फिफ्थ शेड्यूल, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें से आप रिवाइज भी कर सकते हो. ना फिफ्थ शेड्यूल आपको पता है होना चाहिए. आर्टिकल 244 के अंदर कुछ एरिया ऐसा रखा गया है जो एरिया ट्राइबल एरिया है, और वहाँ की गवर्नेंस के लिए वहाँ के उस स्टेट के गवर्नर को कुछ अलग पावर्स दी गई हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड एरिया. शेड्यूल्ड एरिया में भी ऐसा है कि शेड्यूल्ड एरिया का नोटिफाई कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, पर शेड्यूल्ड एरिया की गवर्नेंस कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है. ये आपको पता होना चाहिए. आप देख सकते हो कि कितने स्टेट्स में है ये शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ पर लिखा होगा ऊपर कहीं, कितने स्टेट में है शेड्यूल्ड एरिया आपको पता है. देखो, एट प्रेजेंट शेड्यूल्ड एरिया हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान. ठीक है, आप ये एनेक्सर 5C भी दी हुई है बाद में, उसमें देख सकते हो एरिया. तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल वाला शेड्यूल एरिया है, कौन से स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया है. तो शेड्यूल्ड एरिया हाल ही के टाइम में अगर करंट में हम देखें तो शेड्यूल्ड एरिया आंध्र प्रदेश में है, इंक्लूडिंग तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान. इतने स्टेट्स में अभी शेड्यूल्ड एरिया है जो फिफ्थ शेड्यूल वाला एरिया है. उसी तरह सिक्स शेड्यूल आपको पता है, चार राज्यों में है सिक्स शेड्यूल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रखने का प्रावधान है. ये सब लिस्ट आप देख सकते हो.
जैसे ये देखो टेबल दी हुई है, परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, उसी तरह से परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन की भी अलग से लिस्ट दी हुई होगी इसमें। देखो ये सारे काफ़ी सारे स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे NFHS 4 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये दिया हुआ है ये वाला ग्रीन जो है ये ऑल का है, और ये वाला ग्रीन जो है ये STs का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी STs में ज़्यादा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी ST में ज़्यादा है नॉर्मल से, और परसेंटेज ऑफ वीमेन ऑफ एज 15 to 49 विथ एनी एनीमिया ये भी किसमें ज़्यादा है, ST पॉपुलेशन में ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर रेगुलर पॉपुलेशन। बस ये डाटाज हम देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़र मार सकते हैं इसमें। एक जगह मैंने देखो स्टेट यूटीज रैंक्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ एसटीज, ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपको आप देखो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर एसटी की कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ओनली उत्तर प्रदेश का सिर्फ 0.6% पॉपुलेशन एसटी है, और वहीं अगर हम लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप का 94.8% का पॉपुलेशन है, वहां पे लक्षद्वीप में 95% लोग एसटी हैं। और स्टेट देखें तो मिजोरम है, मिजोरम का भी 95% जो जनता है वो एसटी है। इस तरीके का डाटा हम देख सकते हैं। आप देखोगे तमिलनाडु में भी सिर्फ 1.1% जनता एसटी है वहाँ की, बिहार की सिर्फ 1.3% जनता एसटी है सिर्फ। बिहार में से जब छत्तीस ये झारखंड अलग हो गया तो झारखंड हमने अलग होने के बाद वहाँ पे सिर्फ 1.3% जनता बिहार की एसटी है। केरल में 1.5%, उत्तराखंड में 2.9%। उत्तराखंड तो मुझे लगता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एसटी होते होंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी ट्राइब्स रहती हैं, पर फिर भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है यहाँ पे सिर्फ 2.9% है। अगर आपको वैसे ध्यान रखना हो कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन हाल के टाइम में एमपी की है, वो भी उसकी भी लिस्ट इसमें आगे दी हुई है कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन किस राज्य की है। चलते हैं, और कुछ अच्छी अगर कुछ टेबल मिलेगी तो उसको देखेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। जैसे ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसके बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसके अंदर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में हमने चर्चा करी थी कल पिछले एनवायरनमेंट वाले लेक्चर में। चलो करते हैं, देखो इस रिपोर्ट के भी एंड में ही एनेक्सेस दिए हुए हैं, इसमें भी काफी सारी और डाटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे डाटा की लिटरेसी रेट ऑफ ऑल पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन,
कि लिटरेसी रेट दी हुई है, ये दिया हुआ है इंडिया स्टेट यूटी वाइज सेक्स रेशियो ऑफ स्टेल्ड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, कि किस स्टेट में और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर सेक्स रेशियो कितना है, उनकी डाटा भी हम देख सकते हैं। 2011 में अगर हम देखें तो इंडिया में अगर ट्राइब्स के अंदर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो 990 है। इट्स नॉट बैड, मतलब अच्छा ही है रेगुलर पॉपुलेशन से। तो रेगुलर पॉपुलेशन पॉपुलेशन का और हमारा सेक्स रेशियो भी कितना चल रहा है, 940। और शेड्यूल ट्राइब के अंदर अगर आप सेक्स रेशियो देखोगे सो दिस इज 990। ठीक है, आप अगर स्टेट्स देखोगे जैसे अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश में 1032 है सेक्स रेशियो, मिजोरम के अंदर 2007 है, मेघालय के अंदर 1013 है, झारखंड के अंदर शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो 1003 है, उड़ीसा में 1029 है सेक्स रेशियो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में यूटी वाइज ओवरऑल पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ एसटीज इन इंडिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल एसटी पॉपुलेशन की कितनी परसेंट पॉपुलेशन किस किस स्टेट में है। तो इंडिया की टोटल एसटी पॉपुलेशन का 2.5% आंध्रा में है, और सबसे ज़्यादा मैंने आपको एमपी बताया था, गुजरात में 8.5% एसटी हैं इंडिया के, झारखंड में इंडिया के 8.3% एसटी हैं। तो आप इससे ये डाटा निकाल सकते हो, आप है ना स्टेट वाइज अरेंज कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे एमपी में है, दैट इज़ 14.7%। इंडिया की टोटल एसटी पॉपुलेशन का 14.7% जो है वो एमपी में है, 10.1% आपके महाराष्ट्र में है, 8.3% आपके झारखंड में है, 8.5% गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में 7.5% है, उड़ीसा में 9.2% है, और राजस्थान में 8.8% है। ये मेजर स्टेट हैं जहां पर आपको क्या मिलेगी, शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगी, और इन्हीं स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज भी हैं, सबसे ज्यादा एमपी में। चलो ये स्टेट वाला डाटा छोड़ते हैं। जो लिस्ट में देखने जा रहा इसमें एक लिस्ट है, इसमें ही एक लिस्ट है जहाँ पे आपको और ट्राइब्स के नाम दिए हुए, कौन सी स्टेट में कौन सी ट्राइब्स हैं। तो हैं तो वैसे काफ़ी सारी ट्राइब्स, आपने देखा इंडिया में टोटल 700 ट्राइब्स हैं, उनमें से करीब 300 ट्राइब्स जो हैं वो एसटी हैं। तो आप ये स्टेट वाइज एसटी ट्राइब्स भी देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब मिलेगी आपको, ठीक है ना, उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। आंध्र प्रदेश में आपको ये ट्राइब्स मिलती हैं, उनमें से मेजर मेजर कौन सी हैं, अगर आपको क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हर 2-4 साल में एक बार पूछ ही लेता है कि ये ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो
मेजर ट्राइब्स तो हमें पता होनी चाहिए उसके लिए। इसमें बाद में एक और लिस्ट दी हुई, देखो आपको मैं बताता हूँ। स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ये 34 टाइप की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपको मैंने बताया था चेंचू ट्राइब, इट्स एन इम्पोर्टेंट ट्राइब, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके अलावा ये कोंडा ट्राइब, क्योंकि कोंडा गोंड इस तरीके की ट्राइब्स जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। गोंड ट्राइब है यहाँ पे, गोंड ट्राइब जनरली सेंट्रल एशिया में है। आपको ना इस लिस्ट को देख करके थोड़ा सा बस ये आइडिया लगाना है कि कौन सी ट्राइब सेंट्रल इंडिया में है, कौन सी ट्राइब साउथ इंडिया में है, कौन सी ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में है और कौन सी ट्राइब नॉर्थ इंडिया में है, है ना। इस तरीके का एक आइडिया अपने अंदर कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में मेजर ट्राइब अगर अपन देखेंगे तो चेंचू हो गई, भील जो हो गई, भील वैसे वैसे राजस्थान की मेजर ट्राइब है भील, पर ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। अगर हम स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश की देखें तो चेंचू, कोंडा, ये गोंड भी जो है ये भी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है। उसके अलावा कोंड, कोंडा और कोंड, ये दोनों जो हैं ये आपको आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। कोंड, कोया, ठीक है, और ये ट्राइब्स हैं। इतनी याद कर लो, इतनी तो नहीं याद कर पाओगे, फिर भी हर एक स्टेट में 3-4 ट्राइब्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद कर लेना कि इस स्टेट में ये सब ट्राइब्स हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमने देखा चेंचू, कोंड और कोंडा, और इधर कौन सी देखी थी, कोया, these things। अरुणाचल प्रदेश की तो ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे ट्राइब्स के नाम पे पहाड़ियों के नाम रखे हुए हैं। अपन ने देखा अबोर, अपतनी, नीशी, है ना, मिशमी, सिंगफो, ये सब ट्राइब्स जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। आसाम की देख लो आप, चकमा ट्राइब, हजोंग, है ना, हजोंग वैसे त्रिपुरा की ट्राइब है, और ये सारी काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं भाई यहाँ तो। कार्बी आंगलोंग नाम का वहाँ एरिया है ही आसाम में, कार्बी, और उसके अलावा ये सब ट्राइब्स हैं। बिहार में देख लो ये हो ट्राइब, हो गोंड, ये मेनली गोंड ट्राइब जो है झारखंड की और एमपी की, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ की मेन ट्राइब है गोंड। असुर ये जो है झारखंड की मेन ट्राइब है, ये बिहार मतलब यहाँ झारखंड भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है क्योंकि बिहार में तो बहुत कम ट्राइब्स हैं। बंजारा, बेगा, बेगा कैसे बोल सकते हैं, बेगा, असुर, गोंड, हो, ठीक है, ये सब ट्राइब्स आपकी झारखंड की हैं। खोंड, मुंडा, ठीक है, ये सब देख सकते हो, कोल, कोल, संथाल, मुंडा, ये सब झारखंड की ट्राइब्स हैं। खोंड, रिमेंबर दीज टाइप्स। छत्तीसगढ़ में भी आपको वही मिलेंगी ज्यादातर झारखंड वाली ट्राइब्स, देख सकते हो ये सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है। एक बार निगाह मार सकते हो कि सेंट्रल इंडिया में कौन सी ट्राइब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्राइब आपको एमपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलेंगी वो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है, पता होना चाहिए अपने को। वापस वही ट्राइब मिलेंगे आपको, कोल, इधर से आप देखोगे बेगा, ठीक है, भील, तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर ये वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब जो गुजरात में मिलेंगी आपको,
भील ट्राइब मेनली वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब है भील, ये गुजरात और राजस्थान में ज्यादा मिलेंगी। चारण ट्राइब ये भी वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब है, ठीक है। गोंड लगभग सभी जगह मिल रही है इंडिया में। कोली, ठीक है, ये वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब्स हैं। हिमाचल प्रदेश की ट्राइब देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स गद्दी, गुज्जर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, अच्छा हिमाचल प्रदेश में बहुत गद्दी, गुज्जर, और बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये सब ट्राइब्स हैं, कि वहाँ पर वही गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ये सब हिमालय की ट्राइब हैं। ये ट्रांस ह्यूमन्स ट्राइब हैं ना, ट्रांस ह्यूमन्स ट्राइब। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होती हैं, ये गर्मी में ऊपर पहाड़ों पे चले जाते हैं और सर्दी में पहाड़ों में से नीचे आ जाते हैं। तो ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी ये आपको सिक्किम में भी मिलेंगी और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगी। पूछा हुआ यूपीएससी ने इन ट्राइब के क्वेश्चन ऑलरेडी। देखो झारखंड की ट्राइब्स आ गई, वही जो बिहार में पड़ी थी वही यहाँ पर हैं। फिर ये साउथ इंडिया की ट्राइब्स हैं, कर्नाटक की आप देख सकते हैं। कर्नाटक में ये चेंचू हमने देखी थी, आंध्र प्रदेश में गोंड सब जगह दिखी रही है हमें। केरला में देख सकते हो, केरला में तो वैसे बहुत कम परसेंटेज है शेड्यूल ट्राइब का, फिर भी ये सब ट्राइब्स हैं केरला की। लद्दाख में भी देखो यही है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ये आपकी लद्दाख की ट्राइब्स हैं, मतलब ये हिमालय की ट्राइब्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश देखो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल परसेंटेज है उनमें भी वही ट्राइब है जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हैं, जैसे बैगा हो गई, भील। भील तो वैसे वेस्टर्न इंडिया की है। गोंड, गोंड इज अ वेरी फेमस ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। गोंड, असुर, कारकू, कारकू ट्राइब होगी। कोंड, कोंड जो है आपको आंध्र प्रदेश में बताई थी मैंने। कोल ट्राइब, कोल ट्राइब ये मेनली सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है। कोल महाराष्ट्र में भी फिर ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। मणिपुर की मेजर ट्राइब देख सकते हैं, मेती ट्राइब, चलो ठीक। इसके बाद एक और इसमें लिस्ट देखेंगे फिर इसको हम छोड़ेंगे, वो है पीवीटीजीज की लिस्ट। 75 है ना पीवीटीजीज, तो आप देख सकते हो। ये देखो शेड्यूल एरिया है, कहाँ कहाँ शेड्यूल एरिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, उसके अलावा और जो स्टेट है वो ऊपर ही मैंने आपको बता दिए थे कि इन स्टेट्स में और शेड्यूल एरिया बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना आप जब रिपोर्ट पढ़ो तो बस ऐसे ही सरसरी दिखा से पढ़ना आप, है ना। ऐसे सारी आप सोचो सारी ट्राइब्स के नाम याद कर लूंगा, मेजर मेजर नहीं होंगे, बस आप देखते चलना कि यार ये बार बार जैसे कोंड है, देखो ये कोंड ट्राइब मुझे आंध्र में भी मिली, एमपी में भी मिली, सब जगह मिल रही है। तो एग्जाम में आ जाए तो हम कम से कम ऑप्शन टिक करने की कंडीशन में हों। जैसे गोंड ट्राइब है सब जगह मिल रही है हमें, देखा गद्दी, बकरवाल ट्राइब सिर्फ वेस्टर्न हिमालय की साइड में मिल रही है। इस तरह से हम रिपोर्ट्स को बस एक बार सरसरी निगाहों से और निकाल लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है एग्जाम में। आजकल रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, दैट इज़ वाई। एक और इसमें लिस्ट है, दैट इज द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज, कहाँ गई वो लिस्ट, दैट इज द लिस्ट नंबर 9।
देखो दैट इज द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो PVTGs क्योंकि 75 ही हैं, और 75 तो हम एक बार अच्छे से देख भी सकते हैं कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में है। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो चेंचू, बोडो, गुटोप, डोंगिया कौंट्स, ये उड़ीसा में मिलेंगे आपको, कुटिया कौंट्स, कोल्लम, कोंडा, ठीक है, बोंडो, खोंड, और परेंगी, थोटी, ये जो PVTGs हैं ये आंध्र प्रदेश के हैं, है ना। ये तो आप देख ही लेना एक बार, दो चार बार इसको देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर हैं। बिहार में देखो आप, असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिल हिल खारिया, कोरवा, माल पहाड़िया, ठीक है, ये सब ट्राइब आपकी बिहार की हैं। गुजरात की देखो आप, कोलघा, कठोड़ी, कोटवालिया, पाढ़र, सिद्दी ट्राइब। कर्नाटक की अगर आप देखें, जेनू, कुरुबा, कोरागा। केरल की ये सब ट्राइब हैं। मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया, इस तरह से आप ये 75 ट्राइब्स को एक बार अपनी नजरों से निकाल सकते हो। राजस्थान की सहरिया ट्राइब, दैट इज द PVTG ट्राइब। तमिलनाडु की तोडा ट्राइब, UPSC ने पूछी हुई है, तोडा, तमिलनाडु की तोडा ट्राइब, इट इज PVTG। अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स जो हैं ये सारी PVTGs हैं। ग्रेट अंडमानीज, जरावा ट्राइब, ओंगे, सेंटलीज, शोम्पेन्स, ये सब PVTG ट्राइब है। ओके, तो इतना है इसमें। इसमें काफी कुछ है, आप बहुत सारी लिस्ट हैं, आपको जिस लिस्ट में इंटरेस्ट हो आप देख लेना और पढ़ लेना खुद से डाउनलोड करके। इसमें हाइलाइटेड मैंने ज्यादा नहीं किया, एनवायरनमेंट वाला मेरा हाइलाइटेड है तो वो PDF मैं आपको भेज दूंगा। इसमें तो क्या लिस्ट लिस्ट ज्यादा है, हाईलाइट करने का कम है, तो आप वो लिस्ट वगैरह खुद से देख सकते हो, ठीक है। ये कहीं इसमें भी जैसे रूरल डेवलपमेंट की हैं, अब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसमें आपको स्कीम्स ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बताऊं, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, देखो इसमें सारी स्कीम्स के बारे में दिया हुआ है। ये स्कीम्स आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ ली होंगी, और अगर नहीं पढ़ी हो तो एक बार आप खुद से देख करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मनरेगा, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की ही जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, हर एक जो है हर एक स्कीम्स के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है। इतना ज़रूरी नहीं है अगर हम इसका, मेरे को लग रहा है अगर सिर्फ हम ओवरव्यू देख लें एंड ओवरव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री, उसमें ही सारी मिनिस्ट्रीज की जो जो स्कीम्स हैं वो सारी उसमें दे दी जाएंगी। उसके बाद देखो ये भी हमको देखने को मिलेगा कि इस मिनिस्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम चलाते हैं, जैसे मनरेगा हो गई या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, अंत्योदय योजना, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का काम है कि लैंड की रिसोर्सेज जो हमने देखे थे ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरीगेशन से रिलेटेड, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट करना, ये सब काम इस डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है। जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज देखती है, तो उन सब के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अगर हम ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू में ही हम काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस तो आप लोगों को पता होगी, फिर भी अगर आपको ओवरव्यू लेना हो तो आप पढ़ सकते हो। प्रोवाइड्स फॉर इनहेंसमेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आपको पता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, ये वाला अभियान अभी कोरोना के टाइम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए लिया गया था, वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 जून 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 125 डेज टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू विलेजेस एंड सिमिलरली अफेक्टेड सिटीजन्स इन रूरल एरियाज, दैट इज गरीब कल्याण योजना।
दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM जिसको बोलते हैं अपन, ये गाँव के अंदर और लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए है। ये इसका मेन काम है कि ये SHGs बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत और महिलाओं को जोड़ती हैं और फिर उनको रोजगार प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जैसे इस दीनदयाल अंत्योदय योजना की स्कीम्स में काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे ये स्कीम है आपकी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी महिलाएं SHGs में जुड़ी हुई हैं उनमें से जो जो महिलाएं टैक्सी चलाने का काम कर सकती हैं, ऑटो चलाने का काम कर सकती हैं, उनको वो प्रोवाइड करवाया जाता है, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन जो चलाना चाहती हैं वो प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उस साधन से वो अपनी आजीविका चला सकें। दैट इज़ आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है, ये सब स्कीम से रिलेटेड हैं, और क्योंकि स्कीम आप सब पढ़ चुके हो इसलिए मैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। अदरवाइज हर एक मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में उस मिनिस्ट्री की स्कीम्स तो होंगी होंगी। मेरा मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स को पढ़ाने के पीछे जो मेन कारण था वो था डाटा, न कि स्कीम्स, क्योंकि स्कीम्स तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स अलग से पढ़ ही रहे हो, पर वहाँ पे आप डाटा पे इतना फोकस नहीं करते। डाटा का मतलब क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है ना, कौन से स्टेट में क्या है, ये सब चीज़ें। जैसे अगर हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के डाटा को थोड़ा देखें, जैसे मेरा फोकस इन सब चीज़ों पे होता है। अगर ऐसा कोई अच्छा सा पाई चार्ट मिल जाए आपको जिसमें बता रखा हो, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो अगर आपने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट देखी होती, ठीक है, उस रिपोर्ट में आपको एरिया वाइज सारा टाइगर रिजर्व, इंडिया के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो एरिया वाइज अरेंज करके दिए गए हैं। तो उसमें अपन अगर देखें और रिपोर्ट देखने को मिल जाए तो अपन कभी सरसरी निगाह से देख रहे हो तो अपने को पता लग जाता है कि अच्छा नंबर वन पे ये है, उस तरह से। जैसे ये मनरेगा की बात चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के बारे में काफी कुछ यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। व्हाट इज मनरेगा की मैंडेट क्या है? The mandate of the MNREGA is to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household. ठीक है, कई लोगों को लगता है it is for BPL, it is for every rural household, it is not only for BPL, it is for every rural household. In financial year to every rural household whose adult member volunteer to do unskilled manual work. देखो जैसे ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इससे ये पता लग रहा है ग्राफ किस चीज़ का है भाई, प्रोग्रेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अंडर महात्मा गांधी मनरेगा। मनरेगा के अंदर कितना हर साल बजट पास हो रहा है, कितना खर्चा किया जा रहा है मनरेगा के अंदर, तो आपको इससे देखने से पता लगेगा कि हर साल मनरेगा के अंदर दिया जाने वाला पैसा बढ़ रहा है ना, सिवाय यहाँ पे ये एक जगह घटता हुआ दिखा, ये भी ज़्यादा कुछ घटना नहीं है, बढ़ ही रहा है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ हर साल मनरेगा के अंदर पैसा बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे मनरेगा से रिलेटेड ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए और हमको इस ग्राफ की भी याद आ जाए तो हम पता लगा सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ हाउस होल्ड विच डिमांडेड एम्प्लॉयमेंट, कितने घरों ने हाउस एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करी है ना, तो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड पहले बढ़ी, जून में मैक्सिमम हुई और फिर डिक्रीज हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड भी ऐसे बढ़ती घटती रहती है। इट इज़ अ डिमांड बेस्ड स्कीम है ये, जो जो डिमांड करेगा, जो मांगेगा काम, उसको काम मिलेगा।
उस तरह से आप देख सकते हो। इस रिपोर्ट में, इस वाली रिपोर्ट में जो है, दिस रिपोर्ट इज नॉट फॉर डाटा मेनली, दिस रिपोर्ट इज फॉर मेनली स्कीम्स। अगर आप मिशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम देखना चाहते हो तो आप ये रिपोर्ट को अच्छे से देख लेना, यहाँ पे हर एक स्कीम अच्छे से बताई हुई है। ओके, तो मैं इस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि स्कीम्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अगर आपको डाटाबेस मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट देखनी है तो वो मैंने आपको शुरू में बताई, अगर आपको डाटा के लिए मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट देखनी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट जरूर देखना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भाई क्वेश्चन मिलता ही मिलता है ना, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में टेबल्स हैं, उन टेबल्स से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा इंडिया के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट देखा, है ना, ये भी डाटाबेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ चुके होंगे, उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे लास्ट में, तब हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट भी देखेंगे। ये थोड़ी डाटा बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट देख सकते हो, इसमें भी आपको डाटा मिलेगा, कई सारी टेबल्स मिलेंगी। ओके, चलिए भाई, और तो फिर इसमें कुछ अलग से ज़्यादा पढ़ाने का है नहीं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी है मेरे पास। देखो इसमें बाद में इतने सारे दिए हुए हैं, देखो ये बाद में आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा। एनेक्सेस लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, टाइगर मोर्टेलिटी इनसाइड एंड आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, इस तरह से कुछ डाटा आपको इसमें अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये सारे डाटा देख सकते हो आप, लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, नागार्जुन सागर कहाँ है, नामडाफा कहाँ है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, कामलेंग कहाँ है, काजीरंगा, इस तरह से स्टेट वाइज ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट से आप देख सकते हो आप 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके अलावा ऊपर भी इन्होंने और एरिया वाइज भी कहीं दिया हुआ है, मैंने देखा था इसमें एरिया वाइज भी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है टाइगर रिजर्व्स की, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें पढ़ने का, लोग भी ज़्यादा बचे नहीं है, 7 लोग हैं, ये आप ही को देखनी पड़ेगी। मैंने आपको इसको ये तरीका बताया कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है ना, ये क्लास जो है ये इसीलिए है कि इससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आप रिपोर्ट्स खोल के और उसको किस तरह से रीड करो, ठीक है। आप देखते चलो रिपोर्ट को, बस ऐसे निकालते चलो, और उसमें जो आपको कुछ बोल्ड लेटर्स में मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा बोल्ड लेटर में मिल जाए जिसमें अच्छी कुछ डेफिनेशन हो, या कुछ स्कीम के बारे में बताया हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में बताया हो, या फिर टेबल्स हो, पाई चार्ट्स दिए हुए हों जिससे आपको डाटा का अंदाज़ा लगता हो, तो वो एक बार देख लो। ये जरूर ध्यान रखना कि किसी भी रिपोर्ट को देखने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं भाई, कल हम वापस अपना एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और परसों हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन और एनर्जी रिसोर्सेज। तो फिर कल मिलते हैं अपन, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, थैंक यू वेरी मच।